में अपने अपने रंग चढ़ने लगते हैं और रविवार के इस हिस्से में हम आपको ले चलेंगे ऐसे कई इलाकों में और जानेंगे कि वहां पर किस तरह होली का रंग चढ़ रहा है। सबसे पहले चलते हैं मध्य प्रदेश के झाबुआ। होली के एक हफ्ते पहले से झाबुआ में एक अनोखा पर्व मनाया जाता है। इस दौरान वहाँ गांव-गांव में हाट लगते हैं जिनमें आदिवासी नौजवान खूब सज धज कर पहुंचते हैं और इनमें जो जिसको पसंद आता है वो उसके साथ भाग जाता है। हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। बालू मेड़ा के लिए इस साल का भगोरिया पर्व खास खुशियां लेकर आया है। उनके लड़के कालू और लड़की राजू दोनों की शादी इसमें हो गई। कालू और राजू भी इलाके के दूसरे नौजवानों की तरह सज धज कर भगोरिया हाट गए। वहां उन्हें प्यार हुआ और फिर शादी का करार। जिले के SDM के दफ्तर जाकर उन्होंने शादी का रजिस्ट्रेशन करा लिया। नाम लिखवाया ना? नाम लिखे जो अधिकारी आया थे इंदौर से, उन लोगों ने नाम लिखे, उनने सब पूछताछ की हमसे और राजी खुशी से हमने सब सामने शादी की। अब तक यहां दस्तूर लड़की को भगा ले जाने का रहा है। आदिवासी समुदाय में दहेज जैसी प्रथाएं नहीं हैं, लेकिन जीवन साथी चुनने का जैसा रिवाज यहां है वैसा कहीं और देखने को नहीं मिलता। होली से एक हफ्ते पहले से यहाँ गांव-गांव में भगोरिया हाट लगते हैं। लड़के लड़कियाँ रंग बिरंगे कपड़े पहनकर ढोलक की थाप पर यहाँ नाचते गाते हैं, हंसी मजाक करते हैं और जिस पर दिल आ जाए उसके साथ चले जाते हैं। हम इसमें तो 6-7 जन है। सब लड़की पसंद करोगे? हाँ। फिर क्या करोगे? बस फिर शादी करेंगे। छेड़ते तो है ना आप लोगों को? एक आँख बंद कर लेते, एक खुले रखते। और क्या बोलते हैं? आई लव यू। लेकिन हाल के सालों में लड़की भगाने के नाम पर जब अपराधों की खबर मिलने लगी तो आखिरकार सरकार ने यहां तय होने वाले रिश्तों का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया। सरकार का कहना है कि शादी का रजिस्ट्रेशन सारी जानकारी लेने और उनकी सच्चाई का पता लगाने के बाद किया जा रहा है। लोग रजिस्ट्रेशन कराएं इसके लिए सरकार ने शादी करने वाले हर जोड़े को 5,000 रुपए और घरेलू सामान देने की योजना बनाई है। आदिवासियों के ग्रुप में यदि 5 जोड़े ऐसे हमारे सामूहिक विवाह में आते हैं और गरीबी की नीचे की रेखा के हैं तो हम निश्चित रूप से उनको 5,000 रुपए का जो व्यवस्था है देने की वो व्यवस्था कर रहे हैं। समाज के लोग भी आए हैं कि हम दहेज देने में सहमति होंगे, हम साड़ी देंगे, कपड़ा देंगे, बर्तन देंगे, तो एक माहौल बना तो है। पहली बार है, प्रयास है, हो सकता है कि ज़्यादा सफलता मिले। अब यहाँ के गाँव में अच्छे से अच्छा भगोरिया हाट लगाने की होड़ दिख रही है और ये मेले अब दूसरे लोगों को भी अपनी तरफ खींचने लगे हैं जो इन्हें देखने के लिए झाबुआ के गांव में पहुंचने लगे हैं। झाबुआ से हेमंत शर्मा के साथ उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया के लिए। ऐसा भी होता है।